परेशान मत हो, मैं उसको कॉल कर लूंगा, इलेक्ट्रिशियन को आ जाएगा टाइम से। अरे मरियम क्या हुआ तुम्हें? नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नो प्लीज प्लीज आई एम ओके। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, बिना वजह आपका टाइम वेस्ट होगा, आप काम पर जाएं। तुम्हें चक्कर आ रहा है, अगर मैं नहीं होता तो तुम गिर जाती, तुम्हें चोट लग जाती। डॉक्टर को तो बुलाने दो। ऐसी गर्मी की वजह से हो गया होगा। I'm okay. Are you sure? I'm fine. I'm fine now. देखें, मेरी गाड़ी भी आके मुझे जाना होगा। What a bag. Thank you. ये स्क्रीन ब्लैक है या मैं अंधा हो गया? उसका चेहरा देखा मैंने करीब से, रंगत बिल्कुल पीली हो गई, आंखों की गिरद इतने हल्के कि आंखें नजर नहीं आती। उस दिन स्लिप हो गई, मैंने उठाया तो से लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे को उठा रहा हूं, इतना वजन हो गया उसका। मैं कौन हूं? उसका हस्बैंड हूं। कोई गैर तो नहीं? उसे कहता रहता डॉक्टर के यहां चलो, लेकिन नहीं मानती। यही तो वजह है हमारे रिश्ते के गैप की। वो कुछ बोलती नहीं है, वो बोलती नहीं है तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाता रहता हूं, क्योंकि जब तक औरत बोलेगी नहीं मर्द कुछ करेगा नहीं। नॉर्मल लोग तो ऐसे ही होता है ना, बस एक दरख्त की तरह दूसरों पे साए किए हुए रहती हूं। मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगती। उम्र 7 साल हो गए, 7 इयर्स वो बदली नहीं है। क्या हुकुम करो, कुछ बोलो। अगर मरियम खुद को नहीं बदल रही तो तुम बदल जाओ, क्योंकि जो शख्स दरख्त के साए में बैठा होता है ना, पानी देना भी उसी की जिम्मेदारी है। दरख्त चाहे जितना मजबूत क्यों ना हो, अगर उसे पानी ना मिले ना तो वो अंदर ही अंदर मुरझा कर मरने लगता है। वैसे तेरे दिमाग में चल क्या रहा है समी? कुछ नहीं। चले जी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी जी मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आंखें थी, उतरी भी मत जाओ आज ऑफिस। नहीं आज ऑफिस में बहुत काम है, आज नहीं कर सकती। कह दो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी गाड़ी आ गई। गाड़ी को जाने दो, तुम्हें मैं ड्रॉप कर दूंगा। मामा वैन आ गई। बेटा मामा को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। लेकिन आपका ऑफिस? कह दूंगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। पापा मुझे भी ड्रॉप कर देंगे आप? ठीक है, आज पापा आपको और मामा दोनों को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, जो अपना बैग लेकर आओ। चले, अभी तुम्हारी डील का लास्ट डे नहीं आया। तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा मजा शादी की जोक्स सुनकर आता है। हस्बैंड्स की फ्लर्टिंग के जोक्स, बीवी की बक बक की जोक्स, सास बहू के झगड़े के जोक्स। और सबसे फनी बात यह है कि एक शादीशुदा शख्स ही जानता है कि इनमें अक्सर
जोक्स नहीं होते हैं। बचपन में सुना था कि शादी एक रेल का डिब्बा है, अंदर वाले बाहर जाना चाहते हैं और बाहर वाले अंदर। तुम वो शख्स हो जो एक डिब्बे से फौरन दूसरे डिब्बे में जाना चाहते हो। खैर, मुझे वजह जानने का कोई फायदा नहीं। फरा कहती है कि उसे तुमसे प्यार है, उसे लगता है कि वो इस लफ्ज का मतलब समझती है, जो यकीनन गलत है। खैर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब डिब्बा बदलने के बाद इसमें से आगे छलांग भी लगाओगे और इसकी गारंटी क्या है? सर, मैं समझ रहा हूं जो आप कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती। लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम एक अच्छे इंसान हो, एंड आई बिलीव के अच्छा इंसान अपना वादा नहीं भूलता। थैंक यू सर। बात कर ली उससे, गारंटी मांगी कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वादा भी कर लिया उसने। हां, उस बात की गारंटी नहीं मांगी जो वो दे भी नहीं सकता था कि वो अपनी पहली बीवी को मुकम्मल तौर पर छोड़ देगा। Come on, Dad. पुराने रिश्ते हैं, आपके ऑफिस की कोई डील नहीं है जो एक ही जुमले में खत्म हो जाएगी। खैर, आप फिक्र ना करें, आप बस कल मंगनी की तैयारी करें। आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं जाया करती बेटा।